अगर आप क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं तो आप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वॉलेट एप्लीकेशन वजरेक्स और बाइनेंस का तो इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे। और अगर आप वजरेक्स के अलावा बाइनेंस का भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये पता होगा कि बाइनेंस में वजरेक्स की तरह इतना आसानी से और कम फीस में या फिर बिल्कुल ज़ीरो फीस में पैसे जो डिपॉजिट करते हैं उतना आसानी से डिपॉजिट नहीं होता है। बाइनेंस में फ़ीस भी लगती हैं और इतना आसानी से भी नहीं होता है। तो क्या आपको पता है कि आप वजरेक्स के ज़रिए बाइनेंस में अपने क्रिप्टो करेंसी या फिर पेमेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं? सो किस प्रकार से आप ट्रांसफ़र करेंगे बाइनेंस में वजरेक्स के थ्रू पेमेंट या फिर क्रिप्टो करेंसी? तो उसका एक सबसे आसान तरीका है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले वजरेक्स को बाइनेंस के साथ लिंक करना होगा। वो किस प्रकार से करेंगे उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम वजरेक्स के अंदर डिपॉजिट करेंगे अमाउंट को और फिर हम USDT खरीद लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये USDT है, एक प्रकार का ये डॉलर है जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में चलता है। हम इसमें USDT को परचेज़ कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम बाय कर रहे हैं, जो भी प्राइस रेंज अभी चल रहा है वही प्राइस रेंज के अनुसार हम क्रिप्टो करेंसी के अंदर USDT को बाय करेंगे। आप चाहें तो किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाय कर सकते हैं। स्लाइड टू करेंगे, ऑर्डर प्लेस, हमारी क्रिप्टो करेंसी का ये टोकन है USDT, ये बाय हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं USDT आ चुका है, हमने जिस अमाउंट में परचेज़ किया था वो यहाँ पर आ चुका है। अब हम इसे सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैंने ऑलरेडी पहले दो ट्रांजेक्शन कर दिए हैं। यहाँ से हमें विड्रॉल करेंगे, हम विड्रॉल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा बाइनेंस और अदर वॉलेट, जो भी आप लिंक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सो किस प्रकार से करेंगे इसी पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। बाइनेंस के आइकन पर हम सिंपली क्लिक करेंगे और एक ही क्लिक के अंदर हमारे बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वॉलेट प्लेटफॉर्म के अंदर, बाइनेंस ऐप के अंदर हमारा क्रिप्टो करेंसी या फिर जो हम अमाउंट यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं USDT के ज़रिए, वो सीधा सीधा वहाँ पर रिसीव हो जाएगा। यहाँ पर हम विड्रॉल ऑल पर क्लिक करके प्लेस करेंगे ऑर्डर। हमारे मोबाइल नंबर पर सिंपली एक OTP आएगी, OTP को एंटर करने के बाद ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे और एक ही सेकंड के अंदर हमारे यहाँ पर देख सकते हैं OTP आ चुकी है। OTP को मैंने यहाँ पर एंटर करूँगा, कॉपी करने के बाद पेस्ट किया, ऑथेंटिकेट किया और यहाँ से देख सकते हैं ट्रांसफ़र टू बाइनेंस हमारा ट्रांसफ़र हो चुका है। यहाँ पर भले ही अमाउंट इस प्रकार से दिखाए और सिंपली हम ओपन करेंगे अपना बाइनेंस अकाउंट और यहाँ पर सीधा हम जाएंगे वॉलेट के आइकन पर, फंड वॉलेट के आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पॉट वॉलेट के अंदर USDT हमारी आ चुकी है, जितना अमाउंट हमने ट्रांसफ़र किया था। वजरेक्स के मुकाबले बाइनेंस में हमारा अमाउंट कम दिखाता है लेकिन क्वांटिटी वही रहेगी, चाहे डॉलर हो या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, वही क्वांटिटी रहेगी। उसका आप इस्तेमाल इसके अंदर कर सकते हैं कि भी क्रिप्टो करेंसी को परचेज़ करने के लिए या फिर फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए। सो मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर। इसी प्रकार के क्रिप्टो करेंसी से संबंधित वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।